तरफ अगर देखोगे, उन्होंने वो सुना है, पढ़ा है कि उनके अंदर वो असीम शक्ति है, जो असीम शक्ति अभी सुप्त अवस्था में है, जैसे अभी अभी हमारे पूर्वजों ने कहा यहां पर कि वो सुप्त अवस्था में है और उसको जगाना है। तभी हमारी पहली परिषद में भी कहा गया था, जो स्वामी जी ने दोहराया है, उत्तिष्ठत जागृत। उत्तिष्ठत का मतलब यह है कि बाहरी ज्ञान को प्राप्त करो और खड़े हो जाओ, जैसे आप कल हो रहे हैं। बहुत सारे बाहरी ज्ञान लेकर हम बहुत खड़े हो गए, यानी अपने को बड़े उन्नति कर दिए हैं, समाज को, संसार को और अपने देश को भी, लेकिन हम जागे नहीं हैं। इसलिए एक शब्द और भी हमारे तप के मुनिषी ने बहुत सोच समझ कर दोनों ही कहा था, उत्तिष्ठत और जागृत, यानी जागो। जाग कर कहाँ जागोगे, पहले उसको सुनने के बाद वो पहले वाले मूर्ति देखो जहां पर वो एकदम ध्यानावस्था पे है। तो श्रवण मनन के बाद मनन करना है, वो मनन करने के लिए उन्होंने मनन करके बाद जब उनको ये पता चल जाता है कि सचमुच मैं उस परम शक्ति के ही अधिकारी हूं जो मेरे अंदर है, तो सामने खड़े हैं भूत ऐसे सीधे साधारण के खड़े होकर कहते हैं कि हाँ मैं भी हूं, मेरे अंदर ईश्वर है, वो दूसरे रूप है और तुम लोगों को इससे उसमें जाना है। पहले इसको सुनो, उसको अच्छी तरह मनन करो और फिर भी जब तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, उसको तुम जागृत करो, एक मनुष्य बन के इस दुनिया में रहो। इस वक्त तुम लोग विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी के एक मात्र काम यह है कि विद्या ग्रहण करना और उसको फिर वो मनन करने के बाद उसमें से जूस या निचोड़ जो है वो निकाल